जय मानना देवी। तो आ चुके हैं एक न्यू ब्लॉग के साथ वापस। मम्मी कर रही है मस्त कपड़ों को घड़ी, अभी अभी धोए थे। मैंने हेल्प करवाई थी मम्मी के साथ पूरी है ना मम्मी। सारे मेरे बेटे ने धोए पूरे। थैंक यू बोलो। थैंक यू बेटा। ओ भाई घर की छत डलेगी इसकी है ना मम्मा। घर का काम। और आज ना मेरा उसका पेपर था इंग्लिश का, हाफ ईयरली एग्जाम चल रहा है मेरे। आज इंग्लिश का पेपर दिया, एक भी क्वेश्चन छोड़ के नहीं आया और एक दिन भी नहीं पढ़ा मैं। किताबों का ही पता नहीं है ना मम्मी कहाँ है कहाँ नहीं। फिर भी मैं दे आया और एक नंबर गया, सारे राइट थे। मेरे पास में एक टॉपर बैठी थी एक लड़की, उसके चीट नहीं की है मैंने कसम से। पर मैंने ना बाद में जब पेपर कंप्लीट हो गया था ना, उससे सारे पूछ लिए थे मैंने। मैंने कि इसका क्या लिख के आए हो कि ये वाला। तो फिर दूसरा पूछा मैंने कि इसका क्या लिख के आए थे कि ये वाला। तो क्योंकि दूर दूर बैठाया था सर ने, तो चीट वैसे भी नहीं कर पाते। पर लास्ट में जब एग्जाम कंप्लीट हो गया, कॉपी वगैरह ले ली, तब हम एक दूसरे बात कर रहे थे, तूने क्या लिखा। तो तब पता चला ना ऐसा हुआ मम्मी, चीटिंग नहीं करता चीटर नहीं है मम्मी। तो चलो मम्मी ठीक है, बाबा है, मैं जा रहा हूँ थोड़ा काम से बाहर। ठीक है ठीक, लव यू। अभी थोड़ा ना काम आ गया था मुझे बाजार में। तो नो 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 तेरे से ये नहीं खुल्ला। कैसा है तू पकड़ना भाई से। कैसा यार ऐसे ऐसे ब्लॉगिंग करते हैं। देखो गाइस इससे ये नहीं खुल्ला था। देख सकते बोलो 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 भी हमने डलवा लिया इसमें 50 का पेट्रोल, क्योंकि हम जा रहे हैं किस पे, ऑफ रोडिंग पे, पहाड़ पे ऑफ रोडिंग करने। रेडी है क्या हुआ ये तो निकाल लेना पता। देखो करने तो मैं काम आया था, काम था मेरा बाइक में पेट्रोल डलवाना, पर ये लोग है ना ये दिख गए मेरे को, थोड़ा घुमा लाऊं क्योंकि काफी दिन से मैं हिमाचल था ना। तो बेचारों की याद आ रही थी इन्हें, मेरी याद आ रही थी इन बेचारों को है ना। मैंने सोचा बेचारों का टाइम तो चलो चलते हैं ऑफ रोडिंग करने। अभी भी चल ही रहा है, अभी भी बंद नहीं हो रहा, अभी तो कैसी अब जनिक ऑफ रोडिंग करते हैं हम गाइस। भाई चप्पल पड़ी है किसी की? पड़ी नहीं, मुझे चप्पलों की जरूरत तो नहीं है क्योंकि आई बी आर ऑलवेज शूज। अभी हमें वहाँ जाना है, वहाँ शेर मेर तो ना होगा, कह नहीं सकते भाई, चांसेस है शेर के। तो भाई तेरा भाई तो गया। चढ़ गई। मेरे बच्चे को इतनी अकल तो है चढ़ाने की वैसे। दोस्तों एक काम की बात बताऊं, इसको ना बाइक मैंने चलाना सिखाया था रमन को, ये मेरे से बड़ा है एक्चुअली 3 साल, तब भी मैंने इसको बाइक चलाना सिखाया था 2018 में। वो द व्यू गाइस, रमन यहाँ से व्यू अच्छा आ रहा है ना, क्या व्यू है भाई। अगर अपन तीनों बैठे रहते ना 100% बाइक उठती सही, उड़ जाती आराम से उड़ जाती। देखो वो रहा मंदिर, अभी हम थोड़ा और ऊपर चल दिए वहाँ उस जगह पर, वहां से व्यू बहुत अच्छा आता है, यहाँ से नॉर्मल है, वहां से थोड़ा और कंफर्टेबल नहीं अच्छा आएगा, समझ रहे हैं ना, फीलिंग समझा करो। बस यहाँ पर कितने पशु भी हैं, ये देखो गाय माता, बिल्कुल स्लोमो वीडियो ने, स्लोमो वीडियो तो बढ़ा लेंगे। सामने ना धुंड पड़ रही है, देखो दोस्तों ये देखिए, तो जा रहा है खाने पीने के लिए कुछ लेने जा रहा है वो हमारे लिए। वीडियो मस्त लगेगी, सच्ची कितना वायरल जाएगी वो, 1.5-2 मिलियन से नीचे तो मैं बात ही नहीं करता। 1.5-2 मिलियन लूंगा एक वीडियो बनाने के, लगभग 1.5 या 2 भी बस। भाई बुखला भी आ गया, क्या कर रहा है तू भाई। हमारी एक इंस्टाग्राम पे वीडियो है, शमशेर फैन पेज पे जाके देखना, कल तक डल जाएगी, इतनी फनी है ना भाई। मैं ना ब्लॉग में गाली नहीं देता एक्चुअली, जो मेरी वैसे नॉर्मल वीडियो है ना, एक फैन पेज है मेरा, उसको डाल दूंगा। देख 500 सब्सक्राइबर पे फैन पेज भी है मेरा, वो इसने बना रखा है, तूने बनाया ना, इसने बना रखा है। ये मेरा फैन है ना इसलिए। तो कहाँ गया ये रमन, दूर दूर तक अफ्रीका के जंगलों में नजर नहीं आ रहा, ये कहाँ है ऐसा कोता ना गया ये।
भाई देखो कहीं पे भी नजर नहीं आ रहा हमारे को, वो सामने दुकान है वहां पर भेजा था उसे दो तुरतुरे और दो ₹10 के तुरतुरे, ₹10 की तुरतुरे और बिस्कुट पार्ले जी और 20-20 लेने गया था, पर कोई आता पता ही नहीं है कहाँ है कहाँ नहीं है, कहाँ गया ये, वो देखो वो आ रहा है, वो देखो वो सामने सामने वो आ गए। चैलेंज करेंगे इस स्पीड पे कौन कितनी सेकंड में चढ़ता है ये वाले पे। हाँ। तो चलो अभी हम दोनों भाइयों में चैलेंज लग चुका है इस पेड़ पे चढ़ने का, तो देखते हैं कौन जीतता है। अभी इधर टाइमर लग रहा है, लगा जल्दी लग टाइम, ये जा रहा है अब ने। आप टाइमर स्टार्ट कर लेना, चालू है। ए माँ शक्ति दे, ये कर स्टार्ट। चढ़ गया दस सेकंड और क्या भाई, 10 सेकंड हो गई इतनी जल्दी, क्या करते हैं, क्यों कर रहा है ये काम, मत कर ऐसा ना चढ़ पाए। ओ भाई दोस्त कहाँ मिलेंगे मेरे को, इतना बुरा सोचते हैं मेरे बारे। और दो वाह भाई वाह, थ्री जय माना दीदी। टाइमर बंद कर ना, देखो इससे पहले पहुंच गया मैं ऊपर भाई, भाई वीडियो के हिसाब से 11 सेकंड थी भाई, वीडियो तो पहले चालू कर ली थी ना। हाँ ये हो सकता है, तो इसने टाइमर लेट किया है ना मेरे यार। चीटर नहीं, वो चीटर नहीं है, सामने में पहले चला गया, अब मैं उतरूंगा कैसे, आप उधर कूद के वहां पर। मैं डरता नहीं हूँ क्योंकि इतने इतने बड़े एक्सीडेंट जो हुए हैं मेरे, अपने को फुल एक्सपीरियंस है। अबे जीत चुका है फाइनली। तो गाइस मैं आपको खिलाऊंगा हमारी देवरी की मिठाई जो फेमस है, तो चलिए आइए आपको बताते हैं, आप किसी से बोलना मत क्योंकि ये मिठाई सिर्फ आप ही खाओगे, और आपको खानी हो या किसी और को खानी हो तो मैसेज कर देना। तो आइए चलिए मैं आपको रबड़ी मलाई खिला के बताता हूँ। ये हमारी रबड़ी मलाई देखिए भाई, रुक जा भाई रुक जा भाई, इसमें गंदी बदबू आ रही है, ये भाई गंदी बदबू नहीं है भाई, ये वो है मलाई है भाई, ये माल सिर्फ देवरी मिलेगा, ये किसी के पास नहीं मिलेगा, ये माल हमारे पास मिलेगा, हमारे पास ही मिलेगा, किसी के पास हमारे पास मिलेगा। और मतलब इसके अंदर ऑटोमेटिक बनता है हमारा, एक भी पैसा खर्च नहीं होता, बस कोई खरीदता नहीं है इसलिए हमारे पास पैसे भी नहीं आते। भाई बहुत बुरी बदबू आ रही है, क्या है ये वैसे भाई, तो ये कॉफी जोड़ देना अपन। हां ये गोंद है, गोंद खा ले इसको, गोंद है। जैसे कि जीत चुका हूँ चैलेंज, तो इसी खुशी में हम जा रहे हैं अब पास वाले सिटी में। जैसे गाइस आप ही बताना कौन जल्दी चढ़ा था, आप सेकंड उसमें देखना, ये चीटर है साला, इसने लेट किया था, इससे बोल के गया था, रिश्वत लिया इसने रिश्वत। भाई भाग के चढ़ा हूँ मैं अपनी मेहनत से, ₹50 जिम में, आप कमेंट में बता देना कौन जल्दी चढ़ा था, ₹50 दिए थे जिम में, ये देखो ये खुद बोल रहा है ₹50। भाई चीटी, भाई चीटियां चढ़ गई, चीटियां काट रही है, जो देखिए लाल लाल चीटी दिखाओ मैं, भाई कितना गंदा काट रहे भाई, ऊपर तो पता नहीं कितनी चींटियां थी, खा खा के उन्होंने बुरा हाल कर दिया मेरे हाथ का, बहुत सारी चींटियां चढ़ गई मेरे पे। हाँ, सही बात है, समझो ऐसे पकड़ के लटकता हुआ रह जा, पकड़ लूं क्या। ओ भाई अल्लाह मत भाई, रियल में भाई तेरी क्लच वाली बात नहीं, क्लच दबावा ना तो भाई ढक जाएगी, वही तो मैं चाहता हूँ। मतलब तू भाई गजब है यार, पेपर देने अभी दो नहीं पांच देने, सॉरी पांच ही अच्छे पेपर देने, भाई पता नहीं है, मैं ज्यादा ध्यान नहीं देता यार पढ़ाई मढ़ाई पे, क्या है पढ़ाई में यार, अपने गोल पे फोकस करो और क्या है, अपने गोल पे गोल पे। तो दोस्तों अभी आ चुके थे हम स्ट्रीट फूड की दुकान पर, देख सकते हो यहाँ पर रमन ने क्या लिया है, पेटीज, और उसने चाउमीन, और मैंने तो भाई ये ले ली बेड़ई। आपकी तरफ नहीं मिलती होंगी, हमारे इधर बहुत फेमस है ये बेड़ई, खा ले अभी तो भाई, ये लड़की 10-5 रुपए मांग रही है, देने चाहिए कि नहीं, ले भाई ले। ओहो बेटी भाई मुझे ये समझ में आता है ये लोग पैसे मांगते क्यों है, इनके भगवान ने हाथ पांव तो दिए हैं, निकल जा यहाँ से, फुर्ती में उसी में दिए हैं भाई, हमें गाइस फ्री पोकट के पैसे आए पता नहीं कहाँ से, किस्मत है भाई ये तो किस्मत है, पता नहीं कितने डाले हैं पोकट के पैसे।
भाई तूने वहां जाके कौन सा तीर मार लिया, जाके कौन सा तीर मार लिया तूने? भाई मैं खुद तीर बना हुआ था। देखना पुल से कूद के गया इतनी दूर। जाने वाला यहाँ से भी जा सकता था आराम से, ये रास्ता है देखो, पर उसे तो क्या पता क्या है, उसे अलग ही चुलमसने लगी रहती है उसके। ये देखिए गाइस कितनी सारी मधुमक्खियां लग रही हैं इधर। अभी खाना वगैरह भी हो चुका है और नाना जी लाए थे हमारे लिए साग, तो इससे किया हमने सरसों का साग। किससे खाया हमने खाना, खाना कंप्लीट हो गया। तो चलो इस ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं, आपसे मिलेंगे कल एक न्यू ब्लॉग के साथ। तो बाय गाइस, टाटा, जय जय मां नैना देवी।